स्वागत है दोस्तों आपको एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे देश में बन रहे एक न्यू स्मार्ट सिटी धोलेरा के बारे में, जो जापान के शहर जैसे टेक्नोलॉजी, सिंगापुर जैसे एनवायरनमेंट और मुंबई जैसे इकोनॉमी से भरपूर ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट नेटवर्क, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट सिटी सिस्टम, लॉन्ग हाईवे, मेट्रो, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और साथ में पोर्ट भी मौजूद होगा। एक ऐसी शहर बनाई जा रही है जो हर तरफ से अनोखा है। शहर के हर एक चीज को स्मार्ट नेटवर्क से जुड़े जा रही है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स हो, ट्रैफिक सिग्नल्स हो या फिर और कुछ, सब कुछ स्मार्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है और इसलिए इसे फ्यूचर स्मार्ट सिटी भी कहा जा रहा है। आइए जानते हैं धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी। धोलेरा भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इस शहर को अहमदाबाद शहर से 45 किलोमीटर दूर समुन्द्र के किनारे बनवाई जा रही है, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। 2007 में गुजरात वाइब्रेंट समिट में धोलेरा सिटी का प्रपोज किया गया था। 2011 में इसे ऑफिशियली लॉन्च की गई और 2016 में इस शहर को बनाने का काम जोर शोर से चलने लगा है। धोलेरा सिंगापुर से भी बड़ा होने वाला है। जहां सिंगापुर 721 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, वही धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर बनाई जा रही है। धोलेरा को स्पेशली इंडस्ट्रियल हब बनाने के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि बड़े बड़े ग्लोबल कंपनीज धोलेरा पे अपना इन्वेस्टमेंट लगाए और इसलिए शहर को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जा रही है, ताकि ज्यादा करके ग्लोबल कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न आए, इसलिए पूरे सिस्टम को एक छोटी सी विंडो में बदल दी। किसी को भी कुछ भी चाहिए, एक सिंपल प्रोसेस से इंटरनेट के द्वारा मिल जाएगा, चाहे वो लैंड हो, न्यू कंपनी सेटअप करना हो, बिल्डिंग्स बनाना हो या फिर कुछ भी करना हो, एक छोटी सी क्लिक से सारी चीज आपके मुट्ठी में। और बताने की जरूरत नहीं, इतना इजी प्रोसेस होने के बाद कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये थोड़ा नजर शहर के डेवलपमेंट पर डालते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पे हर एक चीज स्मार्ट बनवाई जा रही है। धोलेरा में कोई वायर्स ऊपर से नहीं जाएगा, सारे के सारे अंडर पाइपलाइन से ले जाया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी लाइन, गैस पाइपलाइन, इंटरनेट कनेक्शन, वाटर लाइन, ड्रेन लाइन, सब कुछ अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से ले जाया जाएगा। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है कि बारिश होने के बाद पानी शहर के अंदर जमा नहीं होगा। इसे कहते हैं फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग। शहर में कमर्शियल बिल्डिंग्स और रेजिडेंशियल बिल्डिंग एकदम अलग अलग रखा गया है, इस वजह से ट्रैफिक भी बहुत ही कम होगा। शहर के अंदर स्मार्ट हॉस्पिटल, बच्चों के लिए स्मार्ट पार्क, स्मार्ट स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज, स्मार्ट इंस्टीट्यूट, स्मार्ट लाइट्स, स्मार्ट मैनेजमेंट, सब कुछ बढ़िया स्मार्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। और इतने सारे स्मार्ट टेक्नोलॉजी को संभालने के लिए भी तो कोई मैनेजमेंट होना चाहिए, इसलिए शहर के अंदर ABCD बिल्डिंग बनाई जा रही है। बच्चों की पढ़ने की ABCD नहीं, ABCD का फुल फॉर्म है एडमिनिस्ट्रेशन काम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट फॉर धोलेरा। शहर में जो कुछ भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, वो सारे इंटरनेट के द्वारा ABCD बिल्डिंग में कनेक्ट रहेगा। इन सारे टेक्नोलॉजी को मॉनिटरिंग के लिए 24 आवर्स लोग रहेंगे। कोई भी फैसिलिटीज में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो ABCD बिल्डिंग उन डिपार्टमेंट के लोगों को खबर कर देगा। लाइक कोई भी बिल्डिंग में आग लगी हो, कोई एक्सीडेंट, कोई क्राइम या फिर भूकंप जैसे हादसे में ABCD बिल्डिंग शहर के लोगों को पता लगने से पहले ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को सतर्क कर देगा। इतने सारे स्मार्ट टेक्नोलॉजी चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत जरूरी है, तो इसलिए 5 मेगावाट बिजली तैयार की जाएगी शहर में। बिजली तैयार करने के लिए भी यहाँ पे सोलर पैनल का यूज किया जाएगा। बताया जा रहा है ये भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनेगा। मतलब जरा सोचिए, शहर अभी तक पूरी तरीके से बनी नहीं है, लेकिन प्लानिंग पूरी तरीके से हो चुका है। शायद इसे कहते हैं फ्यूचर स्मार्ट सिटी। अब कोई भी शहर बने, खासकर इंडस्ट्रियल सिटी, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एकदम स्मूथ होना चाहिए। इसलिए 6 लेनों की एक्सप्रेसवे, धोलेरा अहमदाबाद मेट्रो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और सामुद्रिक पोर्ट भी शामिल है। मतलब शहर में ट्रांसपोर्टेशन की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा भी शहर में इतने सारे स्मार्ट टेक्नोलॉजी बन रहे हैं और शहर में क्या क्या होने वाला है, शायद मैं किसी और वीडियो में विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और धोलेरा शहर के बारे में आप अपना राय कमेंट पे जरूर बताना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।